हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉमर्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो है कॉमर्स वर्ल्ड के चैनल पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का मॉडल सेट जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है ना। तो जो जैक बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है उसमें अभी तक सेट 1 जारी हुआ है। जैसे दूसरा सेट आएगा मैं आपको तुरंत आपके नया वीडियो लेकर मैं आऊंगा। कभी कभी देखे होंगे कि कभी कभी मॉडल सेट 2, 3 नाम करके वीडियो ऐसा बन रहा है, तो उससे आप सावधान रहेंगे क्योंकि ओरिजिनल मॉडल सेट यही भी है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे है ना। और एमसीक्यू डिस्कस करने के बाद जो है हम लोग फिर सब्जेक्टिव इसको सेकेंड वीडियो में लेकर आएंगे। आइए हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव समाज और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है या कथन किसका है ना। तो सबसे पहला देखेंगे कि मानव समाज धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित करने वाला यह कथन जो है वो रेट जेल का है। और रेट जेल को मानव भूगोल का जनक भी हम लोग कहते हैं। तो ये जो आज आपके साथ हम एमसीक्यू जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मॉडल सेट और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, सारा एक ही चैनल पर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो लेट नहीं कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके बीच है ना सारा मॉडल सेट के वीडियो आपको तक मैं लेके आऊँ। तो आइए क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 2 क्या बोल रहा है। तो 2 बोल रहा है यहाँ पे कि रुको आ जाओ ये निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया। तो ये रुको और जाओ ये निश्चयवाद क्या है, मैंने पिछले बार ये सारा कुछ डिस्कस किया हूँ। तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस के ऊपर अधिक डिस्कस नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा है ना वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी हो जाएगा आपका ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो 3 बोल रहा है 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई। तो क्या बोल रहा है 21वीं सदी की आरंभ में दर्ज करने की बात कर रहा है। तो है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 21वीं सदी में जो विश्व की जनसंख्या दर्ज करने की बात की गई है वो है आपका बी, यानी 600 करोड़ से अधिक। यानी पूरी दुनिया का जो जनसंख्या है वह 600 है ना करोड़ से अधिक की जनसंख्या हो जाएगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 की बात करें तो मानव विकास सूचकांक के निर्माण जो है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने मानव विकास सूचकांक को पहली बार उन्होंने ही परिभाषित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा है ना। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करेंगे तो 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे जो 5 बोल रहा है वो बहुत इजी है। तो 5 हम लोग देखेंगे तो बोलता है मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित किया जाता है, किया नहीं जाता है। अगर यहाँ पे नहीं वर्ड लगाया है इसको समझने की जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से घूम जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा है ना वो आपको देखेंगे तो क्या होगा आपका डी नंबर होगा। मतलब डी नंबर में उधर उत्पादकता उपागम, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 आइए 6 क्या बोल रहा है। 6 बोल रहा है यहाँ पे 6 बोल रहा है जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है ना। जंग का कटोरा समझिएगा, तो जो जंग का कटोरा है, जंग का कटोरा किस क्षेत्र को, तो यहाँ के पीटर्सबर्ग क्षेत्र, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसका क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका बी। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में डिस्कस करते हैं ठीक है। इन केस अगर आपको हम बताए थे यहाँ पे कि 25 मार्क्स जो है ना वो आपको एमसीक्यू पूछेगा और जो 30 नंबर होगा वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है। यदि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे बनाना है, उसके अंदर क्या स्टडी मटेरियल और चीज को कैसे बनाना है, तो उसको प्रैक्टिकल एग्जाम का जो स्टडी मटेरियल है
आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको मैं दोबारा जो है कमेंट करके अपना नंबर दीजिए, उस पर आपको हम सेंड कर देंगे, उसको आराम से आप पीछे से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 7 की बात करें, आयात निर्यात के बीच के मूल्य के अंतर, है ना, क्या बोल रहा है आयात और निर्यात। तो जहां पे आयात और निर्यात दोनों बराबर होगा वह कहलाएगा व्यापार संतुलन। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का वो जाएगा ए, यानी व्यापार संतुलन। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात कर रहे थे, सॉरी 8 का पहले बात कर रहे थे। 8 क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है यहाँ पे, 8 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बोलता है हिमांचल क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है, है ना। तो उस प्रकार की वहां जो पशु जो है वो खींचने के लिए कुत्ता और है ना रेंडिनोरों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग 9 की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है। फिर से देखेंगे, इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है। तो आपके इससे पहले हम लोग बताए थे कि सार्क के बारे में, कि सार्क क्या है, सार्क में कौन कौन से देश शामिल है, ये सब्जेक्टिव में आपको बताए हैं, तो एक बार वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, सार्क देश के सदस्य नहीं है, तो सार्क देश का कौन नहीं होगा, अफगानिस्तान उसके सदस्य नहीं, यानी उसमें शामिल नहीं है। भारत, मालदीव, पाकिस्तान ये तीनों सार्क के में शामिल है, जबकि अफगानिस्तान सार्क के शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 के ऊपर चलते हैं, तो 9 तक आपको बहुत क्लियरली हो गया कि आंसर से क्या, अगर कोई व्यक्ति जैक के स्टूडेंट है बट उसका मीडियम जो है वो इंग्लिश है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 9 का, है ना, 10 का बात करते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। फिर देखिएगा, फिर क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ पे नहीं शब्द लगा दिया, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, इसका ई हो जाएगा, यानी भारत के जनगणना के अनुसार इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अभी हम लोग 11 की बात, तो 11 क्या बोल रहा है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो जमशेदपुर हम बताए थे, तो नगर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इसका सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, औद्योगिक नगर, पर्यटन नगर, खनन नगर। तो जमशेदपुर किस प्रकार का है, औद्योगिक नगर है, यहीं पे कंपनी लगी हुई है आयरन की, उसका नाम है टाटा एंड टिस्को कंपनी, ठीक है, टाटा एंड टिस्को। कभी कभी पूछ सकता है कि टिस्को का फुल फॉर्म बताइए, ये भी पूछ सकता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि इसके अलावा जो हम लोग एमसीक्यू लेकर आएंगे, सारा वीडियो आप देखेंगे, क्वेश्चन बैंक का काफी वीडियो हम लोगों ने चैनल पे डाल रखा है, उसको देखेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक 25 क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए और 2500 यही एग्जाम में आ जाए, ऐसी अपेक्षा करना गलत है, लेकिन फिर भी 25 अगर आप याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें से श्योर है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के डिस्कस करते हैं। 12 तो 12 क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना, 12 आपका बोल रहा है यहाँ पे कि टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है। तो जहां बर्फ शब्द आएगा तो आप इसका सीधा आंसर आ जाएगा, आपका भी इग्नोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं। 13 क्या बोलता है कि निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित के होते हैं, मतलब यहाँ पे ये हमारा सड़क है और इस सड़क के दोनों तरफ जो होते हैं इस प्रकार के घर बना होता है। तो इस प्रकार का जो मतलब बस्ती का निर्माण होता है, इस बस्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। तो इसको हम लोग जो बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, उसको बोलेंगे रैखिक प्रतिरूप, रैखिक प्रतिरूप। कभी कभी पूछ सकता कि बस्ती कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा, रैखिक प्रतिरूप, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, याद ध्यान दीजिएगा कि 14 नंबर का लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना, तो क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा सिंचित क्षेत्र भूमि का निम्नीकरण, यानी जहां पे अधिक सिंचाई होता है, तो है ना सिंचित क्षेत्र भूमि का निम्नीकरण मतलब वहां पे जहां पे सिंचाई होता है उसके निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 14 की बात करें तो 14 क्या बोल रहा है,
तो हो जाएगा आपका भूमि की लवणता। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। आइए हम लोग 14 के बाद 15 की बात करते हैं। सामूहिक कृषि को सूर्य संघ में किस नाम से जाना जाता है, तो थोड़ा आइए पहले सूर्य संघ की बात करते हैं। तो 1945 में जब एक यहाँ पे जापान और ये जो अमेरिका है, जब इस पर द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में इस पर जब दो परमाणु बम गिराया, उसी पूरी दुनिया दो गुटों में बट गया था, एक सोवियत संघ था और एक आपका अमेरिका था। तो बोल रहा है कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात करें तो इसको 20 का आंसर होगा, मतलब कोलखोज। देखिए बड़ा डिफिकल्ट नाम है, आप इसकी इससे आप समझ जाइएगा। इसका राइट आंसर आपका 15 का ये हो गया। आइए हम लोग 16 बात करते हैं कि 16 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 16 बोल रहा है ना, वो हो जाएगा जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। पहले देखेंगे तो जल की कमी के लिए, जो हमारे यहाँ जो जल की कमी है वो पूर्ति हो जाए, तो ये आंसर हो जाएगा। बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण के दृष्टि से, अगर जितने ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है उन प्रदूषणों को कम करने के लिए किसकी जरूरत है, जल की, और स्थानीय का ऋतुगत असमानता के लिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरत है, तो आपका हो जाएगा डी नंबर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो 17 क्या बोल रहा है, बता स्वर्ण कलर, इसकी कभी कभी परिभाषा पूछ सकता है, ये सारी परिभाषा यदि आप नहीं लिखे हैं तो इससे पहले जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर वाइज हम लोग जो क्वेश्चन बैंक का जो वीडियो बनाए हैं, क्वेश्चन बैंक के वीडियो देखेंगे तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उप विभाग होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तृतीय सेक्टर। तो तृतीय सेक्टर किससे संबंधित है, सेवा से संबंधित है, ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 17 की बात करते हैं, ठीक है 18 की बात करते हैं, सॉरी 17 हो चुका, 18 की बात। बोलता है उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है, तो उद्योगों की जननी जो है वो किसको बोलेंगे हम लोग, लौह अयस्क को। क्यों बोलेंगे लौह अयस्क को, लोहा को क्यों बोलेंगे, क्योंकि उद्योग के लिए हमारे चाहिए विभिन्न प्रकार के मशीन, और उन सभी मशीनों की आविष्कार के लिए क्या जरूरत है, लोहा। यदि लोहा नहीं है तो मशीन की आविष्कार या मशीन नहीं बनेंगे, और मशीन नहीं बनेंगे तो कोई भी उद्योग संभव नहीं है। कभी कभी पूछ देगा मतलब जो लौह अयस्क को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, आपको कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि लौह अयस्क को आधारभूत उद्योग हम लोग क्यों बोलते हैं, ये भी आपका हो सकता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर डिस्कस करते हैं, और ये टॉप 25 क्वेश्चन परीक्षा का दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, जो 10 नंबर आपको संभवतः 10 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आना ही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे 10 नंबर ले आते हैं, और अगर मान लो 25 नंबर प्रैक्टिकल में मिल गया तो 35 नंबर यहाँ पे बहुत इजी से आपका आ जाएगा, और 50 नंबर अगर आप सब्जेक्टिव लिखते हैं, अगर यहाँ से आप 40 नंबर गेन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 इसमें जोड़ देंगे 75% मार्क्स हो जाएगा ज्योग्राफी में। ये छोटा मोटा मार्क्स नहीं है, मार्क्स के दृष्टिकोण से बहुत ही उम्दा परसेंटेज कहलाएगा। तो आप टारगेट के साथ पढ़िए, सोच कर पढ़िए, समझ कर पढ़िए, और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप इस वीडियो को देखिए, सारा क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए और एक लाइन आप छोड़ दीजिए आंसर का, 25 का 25 क्वेश्चन लिखा है और बिना देखे आप आंसर लिखिए, तब जाकर आपका कंप्लीट होगा, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो आप वीडियो देखेंगे, सुनेंगे और उसको लिखेंगे नहीं, तो फिर वो वही हाल होगा जो पहले था। तो अब मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को देखिए, आंसर को सीखिए और बिना देखे लिखिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर डिस्कस करें, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन जो नंबर जो 19 बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है, हम लोग यहाँ से देखते हैं 19 से। तो 19 बोल रहा है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, परमाणु ऊर्जा की बात क्या स्टेशन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका है ना, वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका है ना, ये बोला तारापुर, तो ये आपका राइट आंसर होगा 19 का है ना, ये 19 का राइट आंसर होगा। आइए हम लोग 20 की बात करते हैं। जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाए जाने वाली कार्यक्रम
नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पे क्या जल संभर विकास के लिए एक व्यक्ति है नीरू, और ये इसके द्वारा ये जो है ना ये दो इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे, बट इसका संबंध किस राज्य से है वो पूछ रहा है। तो 20 नंबर जाएंगे तो 20 जो है वो दोनों का संबंध किस से, आंध्र प्रदेश से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की बात करते हैं, तेजी से हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 20 क्या बोल रहा है थोड़ा सा ध्यान देंगे, 20 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, तो ये 21 नंबर होगा, 20 तो हो गया, हाँ वेरी गुड, 20 तक हो गया, 21 हम लोग देख रहे हैं। अच्छा आपको ठीक करते चलता हूँ कि कहाँ तक हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन ना। स्वेज नहर किन दो महासागरों सागरों को आपस में जोड़ती है, स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो क्या होगा आपका, है ना, तो आपका जो हो जाएगा स्वेज नहर के आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर इन दो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में ये जोड़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, 21 आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए हम लोग 22 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कौन सा घास स्थल क्या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में है ना डाउन, बोलता है डाउन्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का हो जाएगा। आइए हम लोग 23 की बात करते हैं, बिना समय गंवाए हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि आपके पास मात्र इस वीडियो आज से अगर बात करेंगे तो 6 फरवरी से आपका एग्जाम है, और आज हमारा क्या है 5 जनवरी है, यानी कुल मिलाकर आपके पास मात्र 30 दिन का समय है। पूरे 30 दिन में आपकी जितनी एनर्जी है पूरे एनर्जी लगे परीक्षा की तैयारी में, है ना, ताकि परसेंटेज बेहतर हुआ, परसेंटेज बहुत मैटर करता है, है ना, एग्जाम में किसी भी जॉब के दृष्टिकोण से। ये प्रतिकर्ष और उपकर्ष कारक उत्तरदायी है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रवास के लिए, ये क्या प्रवास के प्रतिकर्ष और उपकर्ष, इसकी परिभाषा मैंने आपको लिखाया है या पिछले वीडियो में मैंने बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये नंबर, ठीक है। आइए हम लोग 23 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या, सॉरी 23 तो हो गया ना, अच्छा यहाँ से 24 की बात करते हैं, ठीक है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पे आप नए हैं, सॉरी चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितने भी आर्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों का सारा मॉडल सेट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी मैं तैयारी करवा सकूं, है ना। तो और यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या जो है कितना है 121.2 करोड़, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हम लोग 25 की बात करते हैं, 25 बोलता है डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है, 25 में तो डायमंड हार्बर जो है वो किस नदी पर स्थित है, इसका जो राइट आंसर होगा है ना वो कौन सा होगा, हुगली नदी। अब हमें कमेंट में करके बताएंगे कि जो हुगली नदी जो है वो किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है बताइएगा, है ना। तो आपके पास अभी मैं 1 से लेकर 25 तक डिस्कस किया हूँ, राइट आंसर मैं बताया हूँ, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक बार चैनल को लाइक कर लेंगे वीडियो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, है ना, ताकि मैं आने वाले समय में और आपको नए नए वीडियो लेकर मैं आ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, परीक्षा की तैयारी कीजिए, बढ़िया तरीका से कीजिए, आनंद के साथ कीजिए, और आप कभी भी परीक्षा के लास्ट में होपलेस नहीं होना है, आपको होपलेस नहीं होने के लिए ही हम लोग जो है इस प्रकार का वीडियो बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।